ये क्या है? ये रेड पेपर लगे हुए हैं, देखो। भगवान गणपति जी मिलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ गाइस। और 7 साल हो गए मुझे चाइना में रहते हुए, और मैं चाइना से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ, शायद आपने पहले कभी देखा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सीवर लाइन के ढक्कन के ऊपर, देखिए जहाँ जहाँ पे सीवर लाइन के ढक्कन है उसके ऊपर जो है रेड ये पेपर डाला हुआ है इन्होंने, और छोटे छोटे पत्थर से रखे हुए हैं। तो भाई इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सारे सीवर लाइन के ढक्कन के ऊपर ये रेड पेपर लगे हुए हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि चाइना के लोग जो ना रेड कलर को पॉजिटिव मानते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग हिंदू धर्म में रेड कलर को पॉजिटिव मानते हैं, वैसे ही चाइना में भी है। तो हुआ क्या है कि कल रात को यहाँ पे शादी हुई है, मेरी गाड़ी आ गई है, गाड़ी के अंदर बैठ के ना बात करता हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो बैठ के बात करते हैं आराम से। जब भी चाइना में शादी होती है ना, तो उनके घर से लेके उनके जो सोसाइटी का गेट होता है ना, वहाँ पे जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं, ये सीवियर लाइन है, जैसे वो गंदी चीज़ होगी ना, तो उसको रेड कारपेट से ढक दिया जाता है, तो ताकि वहाँ से पॉजिटिव वेव्स जो है जनरेट हो, कुछ इस तरह का वो लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि ये शुभ रहता है, तो लोहे की चीज़ों के ऊपर जो है हर जगह पर रेड पेपर लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आधा किलोमीटर तक तो रेड कारपेट नहीं डाल सकते, इसलिए जहाँ जहाँ पे भी सीवर लाइन का ढक्कन होता है उसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाती, और उसके ऊपर बच्चे भी नहीं जाते हैं, लोग भी नहीं चढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो है अपना रेड पेपर डाल देते हैं। 2 दिन पहले हमारी सिटी का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था, और आज का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस आ गया है, 4 डिग्री, और कुछ ही दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री तक चला जाता है, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर तो ये वीडियो भी बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर अगर आप कैमरा निकालोगे एकदम से बैटरी ख़त्म हो जाती है, डाउन, बिल्कुल शट डाउन। ओ भाई, लाइफ में पहली बार एक टैक्सी के अंदर एक मतलब बोली क्या ट्रक वाला फील आ गया भाई, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में ट्रक चल रहा है और मैं बैठा हूँ पीछे जाके ट्रक में, तो बहुत ऐसा हाल हो गया आज। हे गाइस, तो मैं अपने योगा सेंटर में पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए, हमारे योगा सेंटर में सबसे पहले आपको यहाँ पे भगवान गणपति जी मिलते हैं। गर्ल्स का चेंजिंग रूम है और सबके पर्सनल लॉकर हैं, और यहाँ पे है हमारा एक प्यारा सा फिश बाउल योगा सेंटर के अंदर। ये पता नहीं कौन सी वाली फ़िश है भाई, 5 ईयर्स के अंदर ना यहाँ से सिर्फ इतनी बड़ी हुई है, नहीं तो 5 ईयर्स के अंदर फिश तो बहुत बड़ी हो जाती है। और गाइस, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा का पूरा ये हमारा योगा सेंटर है, और अब एंट्री होती है मेरी, मेरे क्लासरूम में। दिखा देता हूँ आपको कैसा है भाई, है ना, ये देखिए इतना बड़ा क्लासरूम है, यहाँ पे सिर्फ 1-to-1 की क्लास होती है, VIP क्लास। मेरे क्लासरूम में भी आपको जो है भगवान गणपति बप्पा गणेश जी की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। अगर मुझे कभी रेस्ट करना पड़ता है तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ। और ये है बाहर की रोड, 20 फ्लोर पे हमारा योगा सेंटर है, और यहाँ से लेके आप देखेंगे बाहर का व्यू तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। और यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। बैठ के मैं कभी बाहर का व्यू देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, बहुत शांत सा माहौल रहता है, क्योंकि सो गाइज, 5 योगा क्लासेस आज मैंने 5 योगा क्लासेस किया भाई, और योगा क्लासेस ख़त्म करने के बाद अब जो है फाइनली मैं घर को जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ भाई, घर जा कर रेस्ट करूँगा, थोड़ा अमन के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तब मज़ा आएगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। पर भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमारे योगा सेंटर से सामने से ना सनसेट का व्यू बहुत गजब का है, ये देखो भाई, यहाँ से शाम को ऐसे रोड पे खड़े हो जाओ ना भाई, यहाँ से इतना गजब व्यू आता है, सूर्य की तरफ देखने में इतना मज़ा आता है भाई, क्या बात है। ये देखिए गाइस, ये हमारे योगा सेंटर के बाहर का व्यू है। यहाँ पे कमी बस थोड़ी सी ये है कि यहाँ पे अगर पहाड़ होते ना थोड़े थोड़े तो और भी मज़ा आता। मेरी गाड़ी आई थिंक आने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी भाई, ठंड होगी यहाँ पे, वैसे मैं खुद हिमाचल से हूँ लेकिन ठंड में यहाँ पे हमारी भी बुरी हालत हो जाती है। तो जो गाड़ी है वो रेड लाइट के उस साइड पे खड़ी है, आई थिंक 1 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगी मेरे पास,
यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, जो कैब आप बुक करोगे ना, जैसे ही आप कैब बुक करते हो भाई, एक मिनट के अंदर कैब आपके पास आ जाती है। देखो कुछ ही सेकंड के अंदर आ जाएगी। देखो भाई आ गई ये वाली कैब, सबसे फेमस वाली कैब है यहाँ पे, T3 बोलते हैं इसको। ये देखो पूरा दिन काम करने के बाद जो है थकावट बहुत हो जाती है, उसके बाद मन करता है सीधा घर पे जाके आराम से अपना कपड़े चेंज करके अमन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए और अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना खाया जाए, तो तब जाके फिर तसल्ली मिलती है। और माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाए तो जमाने हो गए हैं, और जब इंडिया आएंगे तो वो भी खाएंगे। बस 2-3 साल की बात और है, उसके बाद हम परमानेंट इंडिया में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। आप थोड़ा कमेंट में लिख के बताना कौन सी सिटी जो है बेस्ट रहेगी, जहाँ पे कि मैं योगिता अमन जो है सर्वाइव कर पाएँ और वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएँ। अगर आपकी कोई ऐसी अच्छी सिटी है आपके आस पड़ोस में तो बताना, हम वहीं पे सेटल हो जाएंगे, जहाँ पे हमारा योगा का काम भी चल जाए, है ना, योगा टीचर हूँ मैं तो। क्योंकि इंडिया में आके भी तो कमाना खाना पड़ेगा भाई थोड़ा। अब फैमिली वाली बात है, आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब परिवार ही मानता हूँ, तो सब बातें जो भी है शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर कुछ और भी जानना है आपको हमारे बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तब बता दूंगा। वाओ ये क्या है, बोतल यस शाबाश, पूछो मेरी बोतल कैसी है। बोलो खोलो गिव मी 5। ये नई पानी की बोतल लेके आया हूँ, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा इसको खरीदो नहीं खरीदो, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता है योगिता ने क्या खरीदा, लेकिन हाँ भाई जो भी खरीदती है अच्छा खरीदती है, ठीक है। तो खोल के दिखाता हूँ अमन के लिए किस तरह की पानी की बोतल लेके आए हैं, अनबॉक्सिंग कर दे। खोलो देखो, जो लोग बोलते हैं अमन कौन सी लैंग्वेज बोलेगा या बोलता है, तो देख लो भाई, खोलो वाह, अनबॉक्सिंग। हमारा अनबॉक्सिंग करने का तरीका भी ना ऐसा, मतलब हमारा नहीं मेरा, बिल्कुल जानवरों की तरह, कोई भी कोरियर आता है ऐसा खोलता हूँ मैं, वो भी जोर लगा रहा है। तो अमन की ओ हो सो ब्यूटीफुल, वाह गाइस देखिए बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल, अरे ये खुलेगा कहाँ से भाई, पता नहीं बटन है इसके अंदर, वो देखो वाओ ये यस। सो गाइस ये पानी की बोतल ना बड़ी अच्छी है यार, देखो इसके अंदर यहाँ बटन लगा हुआ है। एक मिनट पानी हाँ जी पानी पिलाऊंगा फिर इसमें, यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको ऐसे करके लॉक कर सकते हैं। अच्छा ले लो तो बड़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। योगिता जो भी खरीदती है यहाँ पे है अच्छा ही खरीदती है। अब फिलहाल वो अभी ना अमन का पजामा सिल रही है, थोड़ा फट गया है, प्राइवेट जगह से फट गया है इसका पजामा, तो उसको टाइट कर। और ये देखिए अमन के लिए छोटी सी कार, ये कौन सी कार है, पुलिस वालों की गाड़ी है, फरारी कार, देखो छोटी सी। और इतनी सी गाड़ी में ना ये देखो इसके विंडो भी ओपन होते हैं, आई थिंक यहाँ पे ना विंडो इसने खराब कर दिए शायद अमन ने, नहीं ओपन हो रहे, देखो भाई इसके विंडो भी ओपन होते हैं, ऐसे ऊपर होते हैं ओपन, यहाँ से पुलिस वाले अंदर जाके बैठ सकते हैं, फिर यहाँ से बंद करके इसको चला सकते हैं शायद। छोटी छोटी गाड़ियाँ ना इतनी अच्छी रहती हैं, यहाँ पे लोहे की बनी हुई है, टूटने का देखो कोई खतरा नहीं है। तो हमारे कोरियर में ना देखो ये हम योगिता ने मसाले भी मंगवाए हैं, इसमें जो है बेबी नूडल्स, जो बच्चे के लिए नूडल बनाएंगे ना उसका मसाला, ये देखो भाई। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही अमन का कोई भी कोरियर आता है तो उसी टाइम पे बोलता है खोलो, तो हमने खोल दिया, इतना सारा खिलारा पड़ गया। और एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हमारे घर पे एक चीज़ और आई है, ये देखो ये ना अभी हमारा एक क्रेडिट कार्ड आया है योगिता का, नया वाला क्रेडिट कार्ड, तो इसमें जो जो है पता नहीं क्या क्या होता है भाई, क्रेडिट कार्ड में बहुत कम मैंने यूज़ करता हूँ, मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता नहीं हूँ, तो उसने अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड, तो आ गया क्रेडिट कार्ड हमारा, अब इसको खोलेगी बाद में, उसका शायद पासवर्ड रहते हैं, तो लाइव पे उसको खोलना अलाउ नहीं होता, तो फिर यूट्यूब ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, तो इसलिए इसको लाइव पे ओपन नहीं करेंगे। बाकी जो सब कुछ दिखा दिया है, यहाँ पे अमन के कपड़े कुछ फट गए थे शायद, उसको सिल रही है,
या कुछ मछली सी चिपका रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या। तो बहुत काम करती है दोस्तों ये। हेलो योगिता।